तो गैस मुझे काफी सारे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि GTA सन में मतलब जो कार्स होते हैं उसकी स्पीड मतलब अच्छा नहीं है और काफी सारे कार्स हम चलाते हैं लेकिन स्पीड हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो हम इसको कैसे मतलब इंक्रीज करें ताकि हर कार का जो हम चलाने में है जो मजा है वो बढ़ जाए। यार मैं आज लाया हूं आपके लिए एक ऐसा मूड जिसको मतलब आप स्टार्ट करो तो आपकी सारी कार्स का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और ड्राइविंग भी काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब GTA पर आपका वो ड्राइविंग का जो मतलब फीलिंग है वो आपको आएगा जो ये काफी जबरदस्त है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह ये वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको सिंपल जो है छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह स्पीड जो है इंक्रीज किए गए है। तो मैं इस कार का जो है स्पीड चेक करता हूँ, आपको सिर्फ मतलब छोटा सा ही दिखाता हूँ और फिर आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। आपकी सारी कार्स का जो स्पीड है बिल्कुल इंक्रीज है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार का जो स्पीड है ये 60 से ऊपर नहीं जाता था लेकिन अभी ये 100 से भी ऊपर जाता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल देखते हैं। ये देखे तो चले मैं इसको मतलब पटापट से मेन रोड पे लेके जाता हूँ जो हाईवे है। सो चले उधर जाते हैं लेकिन यहाँ पर आप इसका स्पीड देख सकते हैं कि ये 130 से भी आगे बढ़ चुका है और ये खुद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ किया गया है। और इस तरीके से हर कार का स्पीड आपको इंक्रीज़ मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड मिलेगा। इस पर आप ड्रेपिंग वगैरह भी कर सकते हैं जैसे ये। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मतलब यानी हर कार की स्पीड आपको बहुत ही मेंटेन मिलेगा, बहुत ही अच्छा। ये देखें तो आप देखते हैं इसका स्पीड चेक करते हैं, ये देखें 200 से भी ऊपर जाएगा ये। हाँ दोस्तों इसमें स्पीड मीटर भी है, अगर आप स्पीड मीटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सारी कार्स का स्पीड आपको हाई मिलने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं कि इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें मूड डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और देन यहाँ पर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप है जो कि पहले फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे इस अलाउ बटन पर क्लिक करके इसको भी अलाउ कर दीजिए, यहाँ पर इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जो स्टेप कह रहा है तो फॉलो कर दीजिए। और फिर आपने क्या करना है, इसको सिंपल स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आप मिलते हैं इसके कुछ फीचर्स और फिर आपको तीन लिंक्स मिल जाते हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लिया मैं गूगल ड्राइव की डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करता हूँ, मैं क्या करूंगी इस पे क्लिक करूंगा। तो देन आपके पास फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। देन यहाँ पर आपने क्या करें, सिंपल इसको स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर लास्ट तक अगर आप इसको स्क्रॉल करो तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिल जाता है जिसपे लिखा हुआ है कि आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ पर आपने क्या करें, इस पे चेक लगाने की मैं एक रोबोट नहीं हूँ। तो चलो मैं इस पे चेक लगा लेता हूँ और फिर आपके पास कुछ इस तरह कैप्चा आता है। तो यहाँ पर अपनी वही इमेज सेलेक्ट करना है जो ये रिक्वायर्ड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन जैसे भी आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपने वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह का पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फिर से उसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने वेट करना है सिर्फ और सिर्फ 13 सेकंड। और जैसे भी 13 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपके पास प्लीज वेट का बटन बन जाएगा गेट लिंक। तो चलिए मैं इस गेट लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल ड्राइव की डाउनलोड लिंक पर। तो यही आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके तब भी डाउनलोड कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो तब भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार और मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ बताना है डाउनलोडिंग के बारे में, तो आप डाउनलोड कर लोगे। अब आते हैं कि किस तरह हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करो तो आपके पास कुछ इस तरह का रार फाइल मिलेगा आपको और देन यहां पर आपने क्या करना, इस पर राइट क्लिक करके देन यहां पर अपने एक्सट्रैक्ट कर देना है। और जैसे भी इसको स्ट्रेट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पाउडर आ जाएगा। तो आपने क्या करें, इस पाउडर को डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। यहाँ से सारी फाइल्स को आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर देना है और फिर आपने क्या करें, इस पाउडर को मिनिमाइज कर देना है। फिर आपने GTA San Andreas की शॉर्टकट पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास GTA San Andreas की शॉर्टकट नहीं है तो जैसे भी आप GTA San Andreas ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपने वही पाउडर ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर अपनी सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है और आपके पास ऑप्शन है अगर रिप्लेस का तो आपने क्या करें, इसको रिप्लेस भी कर देना है। तो आपका मूड बिल्कुल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो और भी मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ बताना है, वैसे भी गेम प्ले में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का मूड है और दोस्तों बिल्कुल सही से वर्क करेगा। हाँ दोस्तों अगर आपने स्पीड मीटर मूड डाउनलोड करें तो स्पीड मीटर मूड डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे जिसमें एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच करके स्पीड मीटर को भी डाउनलोड कर सकते। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग मूड काफी पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइए और साथ ही साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे भी मैं वीडियो डालूंगा तो जाहिर है मैं कोई नई मूड ही डालूंगा तो आपको तुरंत मिलेगा। तो यार इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस मूड का जो है खूब मजा उठाए। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।